मन शख्स था, उसे पूछा गया कि जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल होती है। उसका जवाब उसने कहा कि जिसका जवाब लेने के लिए आपको आज रात का खाना मेरे पास खाना होगा। अच्छा, सब दोस्त रात को जमा हो गए। तब उस दाना ने सूप का एक बड़ा बर्तन सबके सामने ला के रखा और सूप पीने के लिए सबको एक एक मीटर लंबा चम्मच दे दिया। सबको कहा कि आप सबको अपने अपने लंबे चम्मच से सूप पीना है। अब हर शख्स ने कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा नामुमकिन था। कोई भी शख्स चम्मच से सूप नहीं पी सका। सब भूखे रहे, सब नाकाम हो गए। तो फिर उस दाना ने कहा कि मेरी तरफ देखो। उसने एक चम्मच पकड़ा, सूप लिया और चम्मच अपने सामने वाले शख्स के मुंह से लगा दिया। अब हर शख्स ने अपना अपना चम्मच पकड़ा और दूसरे को सूप पिलाने लगा। अब सबके सब बहुत खुश हो गए। सूप पीने के बाद वो दाना आदमी खड़ा हुआ और बोला कि जो शख्स जिंदगी के दस्तरखान पर अपना ही पेट भरने का फैसला करता है वो भूखा रहता है और भूखा ही रहेगा, और जो शख्स दूसरों को खिलाने की फिक्र करेगा वो खुद कभी भी भूखा नहीं रहेगा। देने वाला लेने वाले की निस्बत हमेशा फायदे में रहता है, और हम सबकी कामयाबी का रास्ता दूसरों की कामयाबी से होकर गुजरता है। अब इस कहानी